हेलो वेलकम बैक व्यूअर्स, जो मेल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं एक सेफ फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए, क्या उसके कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। जो भी मेल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट पर, तो उनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जो एक से दूसरे में फिजिकल कॉन्टैक्ट से आ जाती है, जिसमें बहुत कॉमन है HIV या फिर दूसरी बीमारियां। अगर हम प्रोटेक्शन के फायदों के बारे में बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एक है, और वो ये कि वाइल मेकिंग द कॉन्टैक्ट ये हो सकता है फट जाए, तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्की वो हो जाता है कि हो सकता है वहाँ पर प्रेगनेंसी भी हो जाए, हो सकता है वहाँ किसी को बीमारी है तो वो भी आपके अंदर आ जाए। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही से यूज़ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप HIV और एड्स वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा कि इसको यूज़ करने का क्या तरीका, और ये कभी नहीं फटेगा। अगर आप इसको यूज़ करने का सही तरीका समझ जाएंगे तो आपको कभी भी इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। और जो एक कंडीशन आपके सामने आती है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट के दौरान ये फट जाता है, तो वो भी कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। तो आप उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर HIV/AIDS वाले वीडियोस में ज़रूर देखें, आपको वीडियो वहां मिल जाएगा। एंड आई होप उसको देखने के बाद आप अपने डिसीजन बहुत बेटर तरीके से ले पाएंगे, और अच्छे से इसको यूज़ करके अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट को और सेफ बना पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करके हमें फीडबैक दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हों। तो फिर मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू एंड